हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि, स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी नया वीडियो। ये बैक पार्ट रहेगा टिप नेक के अकॉर्डिंग। तो आइए, हमें सबसे पहले अस्तर को टू फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम लेंगे लेंथ, तो जितनी भी हमें तैयार करनी है उसमें एक इंच ऐड करके लेना है। तो मैं यहाँ पर लूँगी 15 इंच। शोल्डर लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच। आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। अब चेस्ट का मेजरमेंट हमें लगाना है, तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट और 2 इंच का मार्जिन। वेस्ट में भी हमें यही करना है, जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट और 2 इंच। अब हम यहाँ पे ऊपर से गले पे निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लूँगी 2 इंच। लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच। नीचे की ओर हमें लेना है 3 इंच। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लें। अब जो भी डिज़ाइन रहेगा वो हमारा इस बॉक्स में ही रहेगा। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँगी। शेप हमें लेना है 2 इंच पे। यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच। इस तरीके से आप शेप दे दें। एक शेप हमें यहाँ पे गले की ओर देना है, डीप नेक रखते हुए। अब हम जहाँ से हमने 3 इंच का बॉक्स बनाया वहीं से ऊपर 2 इंच का बनाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन बना लें। 1.5 इंच की मार्किंग के साथ हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हमें नीचे के पार्ट को कट करना है, उसके बाद हम जो नेक डिज़ाइन है उस पार्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो 3 इंच का मार्जिन लगाया था उसको कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 शेप तैयार हो चुके हैं। अब जो शेप हमने नेक पे बनाया था उसे इस तरीके से रख दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क रखते हुए इसे कट कर ले। तो जो हमारा तीसरा डिज़ाइन रहेगा वो यही रहेगा। अब हमें लेना है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर हमें इस तरीके से कपड़े को रख देना है। कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते हुए रखें और इस तरीके से कट कर ले। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट करें। अब हमें सीधे कपड़े को इस तरीके से रखना, उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर। अस्तर रखने के बाद मैं यहाँ पे पिन से अटैच कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे ऊपर की सिलाई लगा देनी है। एक पेयर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दे। हमें पूरे स्तर पे सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर के ही हिस्से पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर दे। कट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा ले। अब हमें अस्तर के कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अच्छे से हाथ से फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करें। फोल्ड करके हमें यहाँ पे एक पेयर का स्टिच लगाना है। एक पेयर स्टिच करने के बाद हमें अस्तर के कपड़े को अंदर की ओर से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से एक एक पेयर का स्टिच लगाते हुए यहाँ पे इसे फिनिश कर ले। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। हमें सारे पार्ट्स को इसी तरीके से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला पार्ट तैयार है। अब हम करेंगे ऊपर वाले पार्ट को। तो इसी तरीके से सेम हमें नीचे सही कपड़ा रख के उसके ऊपर अस्तर लगाएंगे। अब जो नेक का शेप है सिर्फ वहीं पे हम एक पेयर का मार्जिन लगाते हुए स्टिच करेंगे। सिर्फ एक साइड को ही पहले स्टिच करें, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आ रहा है उसे कट कर दे। कट करने के बाद इसे फोल्ड कर दे। अच्छे से हाथ से फिनिश करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा ले। अब अंदर का जो कपड़ा है उसे भी सिलाई कर ले।
इस तरीके से हमने तीनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। इस तरीके से हमें हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर देना है सेम प्रोसेस से। एक एक पेयर का स्टिच लगाते हुए इसे फोल्ड करके स्टिच कर ले। यहाँ पे मैंने नेक के दोनों पार्ट को इस तरीके से फिनिश कर दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम इन सारे पार्ट्स को जॉइन कर देंगे। यहाँ पे हमने सारे तीनों डिज़ाइंस को अस्तर पे अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके पहले जो हमारी एक लीफ है हम उसको भी अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पेयर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करना है। स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आ रहा है उसे कट कर ले। कट करने के बाद इसे हमें सेम तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके एक पेयर का मार्जिन लगाते हुए इसे फिनिश कर ले। यहाँ पे हमारा तीसरा डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है। अब हमारे सारे पार्ट्स पे लेस लगा देना है। तो ये मेरा गोल्डन कलर का लेस है। इस तरीके से हमें कॉर्नर्स पे यहाँ पे अच्छे से फिनिश करते हुए लेस अटैच करेंगे। दूसरी साइड पे भी हमें इसी प्रोसेस से लेस अटैच करना है। अब हमारा जो बैक पार्ट का नीचे का पार्ट है हम उसे भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर दी। अब हमें ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है। तो नीचे रखेंगे हम ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। एक पेयर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर ले। दोनों पार्ट्स ध्यान रहे बराबर रखे। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी बराबर रखते हुए स्टिच कर ले। अब हमें एक पट्टी लेनी है, इससे बनाएंगे हम स्ट्रिप्स। इस तरीके से मैंने पट्टी को टू फोल्ड कर लिया है। पट्टी को एक पे रखते हुए स्टिच कर दे। ये बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप रेडी कर दी है। आप चाहे तो डोरी से भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसे नेक पे लगा देना है। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें नेक के पार्ट पे ही यहाँ पे स्टिच लगाना है। दूसरी साइड भी सेम स्टिच लगा दें। यहाँ पे हमारा गले का डिज़ाइन बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे टक्स। इस तरीके से आधा आधा इंच पे यहाँ पे आप बराबर टक्स लगा दें। टक्स लगाने के बाद हम यहाँ पे डोरी इसमें अटैच कर देनी। तो डोरी को आप इस तरीके से लूप में अटैच कर लें। आप चाहे तो इसमें मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल डोरी ही रखूँगी। इस तरीके से आज का ब्लाउज़ हमारा तैयार है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।